नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शर्मा, एक मिनट। अरे तू तो अकेले ही हंसी जा रही है। क्या कह रही है? घर बुलाया है। जीजू नहीं लगता। हाँ रिला, अच्छा मैं आधे घंटे के अंदर आता हूँ। 20 मिनट में? अच्छा, 15 मिनट के अंदर निकलता हूँ। अरुणा, क्या तुम समझती हो तुमसे दूर रहना मुझे अच्छा लगता है? कभी कभी तो जी चाहता है सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे सामने बैठा रहूं, बस तुम्हें देखता रहूं। लौटा काशीनाथ जी। ब्रदर, ईस्टर्न एक्सपोर्टर आजकल सिर्फ ईस्ट एक्सपोर्ट कर रहा है। क्या मतलब? वही टेलीफोन। शर्मा जी ने 40 बरस की उम्र में शादी करके पूरे दफ्तर को बारात बना दिया। रोज घंटे में 2 घंटे टेलीफोन होता है। घंटे में 2 घंटे? ये कौन सा हिसाब हुआ? अरे पंजू मन, इस किसी हिसाब में आया है? बॉस की सूरत से मालूम होता है कि उसमें इतना रस है। वही पापा, क्या क्या रे? भत्ते की लाइनें कट गई। दावत पे जाने? अभी तो बहुत वक्त है, गीत अधूरा रह जाए तो अच्छा नहीं होगा। गाओ। मुझे बहुत दुख होता है, मैंने अच्छी तरह से गाना सीखा
जितना सीखा उतना ही बहुत है मेरे लिए। अरुणा, उम्मीद से ज्यादा मिल जाए तो ऐसा मालूम होता है जैसे आदमी उसके लायक ही। मैं बताऊं, ऐसी बातें तुमने कहां से सीखी? कहां से सीखी? सीखी भी नहीं, चुराई है मेरी बातों से। खाने के लिए विश्राम करते। सुनो, आज हम न जाए तो? कैसी बातें करते हो? न गए तो बदनामी होगी, वो क्या सोचेंगे? सोचेंगे क्या, ज्यादा से ज्यादा हंस देंगे, कहेंगे नई नई शादी हुई है, निकले होंगे तो एक दूसरे की शक्ल दिख गई होगी। नहीं नहीं, तुम्हें चलना ही पड़ेगा। बदलाव उसको तो लगा दो। मैं ऐसे रहना चाहिए जैसे तुम शादी के पहले थे। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? भूख लग गई है, अब मैं चाहूं भी तो वैसे नहीं रह सकता। पहले मैं कहता था ये सब कार व्यवहार मर्जी से चलते हैं, बीच में ये औरतें क्या करती फिरती हैं? और अब सोचता हूं ये मर्द क्या बकवास है। जानती हो ना, पहले क्लब और पार्टी ही मेरी जिंदगी थी, अब तो भीड़ से मुझे सख्त घबराहट होती है। क्यों? भीड़ में जाकर मैं तुम्हें खो बैठता हूँ। जाओ जाओ, सब बहाना है सुस्ती का। चलो भले मनस बनकर चलो। सरला, सरला जी बबुरानी, चलो चलो घर संभालना, शायद हमें देर हो जाए। और हाँ, खिड़कियां भी बंद कर देना, कहीं बारिश ना आ जाए। अच्छा चलो। आज हम न जाए तो? न गए तो बदनामी होगी। कलम और सिगरेट, चार से ज्यादा नहीं पीना। सच कहता हूँ ना, अगर तुम ना हो। बस बस बहुत हो चुका, चलो दफ्तर को देर हो जाएगी। सुनो, यहीं को छोड़ के तो नहीं जा रहे हो ना? नहीं तो सोच लो। जो, जो। हेलो, मैं शर्मा बोल रहा हूँ, आप? नहीं पहचाना ना, मैं हूँ शांता। अब ईश्वर के लिए ना पूछिए कौन शांता। क्या कह रही हैं आप, भला मैं आपको भूल सकता हूँ? आपकी शक्ल साफ मेरी आंखों के सामने है, सिर्फ आवाज कुछ भारी भारी है, जैसे रात भर लड़ती रही हूँ अपने मियाँ से। देखा ना अजी, मैं खुश नसीब हूँ, मेरी शादी अभी तक नहीं हुई, साफ पता चल गया आपने नहीं पहचाना। मैं हूँ अरुणा की सहेली शांता। ओ हाँ, याद आया, शांता जी। अच्छा बोलिए तो, इतना घमंड किस बात का? साहब शादी सब करते हैं, और शादी के बाद बात भी सब करते हैं। आप सरासर भूल कर रही हैं शांता जी, न तो मुझे घमंड हुआ है, नहीं मैं बाप बनने वाला हूँ। छिपाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, आप तो यूं ही अंधेरे में तीर चला रही हैं। तो ठीक है, शर्त लगा लीजिए। हार जाइएगा? कोई परवाह नहीं। बोलिए कितनी बार जी? जो चाहे, 100, 200, 1000। तो तुम हार गए, रुपए लेके जल्दी घर आ जाओ। अरुणा, 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 अरुणा,
सॉरी मिस्टर शर्मा, मैं उन्हें बचा ना सका। कुछ छोड़ के तो नहीं जा रहे हो ना? सरला, क्यों तुम इसको मेरे सामने लाती? क्या और दुनिया में कहीं कोई जगह नहीं इसके लिए? Thank you.
तेरा कसूर क्या है? मैं तुझसे क्यों नफरत करता? अब मेरी तकदीर, सब मेरी तकदीर। डरने की क्या बात है? अब भी बाप से दूर भागती रही तो फिर किस जन्म में उनके करीब जाएगी? ले, ले। यूं ही आते जाते धीरे धीरे वो तुझे अपना लेंगे। जा। क्या भाग लेकर जन्मी है बेचारी? कहीं ऐसा बाप भी देखा सुना है जो नशे में चूर हुए बिना लड़की का मुंह देखने को तैयार रहे? टीचर नहीं आया तो फिर यहां क्या कर रही? जाओ पढ़ो जाकर। गोविंदा
सिपाही म्यूटिनी कौन से साल में हुई थी? कुछ तो कहो। तुम्हारी चुप से तो मैं हार गई। लिखती हो तो इतना अच्छा लिखती हो, बोलने में क्या हो जाता है, हैं? कम से कम यही बता दे म्यूटिनी हुई भी थी या नहीं। यही होता है ना बड़े घर के बच्चों का, माँ बाप के लाड़ प्यार सत्यानाश कर देता है उनको। सर, तबीयत कुछ खराब है क्या? हाँ, तो आप घर चले जाइए ना, ऐसा कोई खास काम भी आज नहीं है। हाँ, मैं यही सोच रहा हूँ। क्यों इसे हाथ लगाया? चलिए